बोलो राजी, अपने दिल की बात बोल दो राजी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बोलो राजी बोलो। प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। बस बस राजी, अब जिंदगी से और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है मुझे राजी। मैं क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मुनी, आज मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे खुशी देखी है। मतलब? राजी की शादी टूटने के बाद आज यहां आकर पहली बार उसके चेहरे पे खुशी देखी। डरता था मैं, उसके चेहरे की उदासी देख के डरता था कि कहीं वो वीर से प्यार ना करने लग पड़ी हो, पर आज वो डर खत्म हो गया। सच कहा आपने, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बातें नहीं समझते। आज जब उनकी बातें समझने लगते हैं तब वो अपनी बातों को, अपने दर्द को छुपाना सीख जाते हैं। आज राजी को खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, बस इसीलिए मैं सबको यहाँ ले आया, मुझे पता था माहौल बदलेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। जी भगवान करे जो आप कह रहे हैं वो ही सच हो, राजी को वीर से प्यार ना हुआ हो। कौन है वहां? कौन कौन है वहां? अरे आप लोग, दरअसल हम आपसे एक बात कहने आए। वो क्या है ना, राजी दी अपने मन की बात मन में ही रखती है, बचपन से वो किसी से कुछ नहीं कहती, पर मैं ये जानती हूँ कि दी आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता दी, जब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी भी तो होनी चाहिए ना। हाँ दी, सोनी ठीक कह रही है। नहीं, मैं मम्मी जी और डैडी जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर उन्होंने कहा है कि शादी नहीं हो सकती तो ये शादी कभी नहीं होगी। दी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मम्मी जी और डैडी जी हमारी खुशियाँ चाहते हैं, और उन्हें जब ये पता चलेगा कि आपकी खुशी इस शादी से है तो वो क्यों मना करेंगे? देखो राजी, मैं जानता हूं कि शादी के लिए बड़ों की मंजूरी जरूरी है, लेकिन तुम इसे इस तरह क्यों नहीं देखती कि मंजूरी तो है, इसीलिए तो पहले उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ की थी। हाँ, बीच में दरारें जरूर आई थी जिनका शायद हमारे रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ दी, मम्मी जी डैडी जी को हम और चीजू मना लेंगे, आप प्लीज एक बार हाँ कह दीजिए दी, एक बार। राजी, पहले भी ऐसा ही हुआ था कि तुम्हारे डैडी जी ने इस रिश्ते के लिए ना कर दी थी, फिर मैंने उन्हें मना लिया था। राजी, मैं उन्हें फिर मना लूंगा, लेकिन इस वक्त हमें छुपकर मंदिर में शादी करनी होगी।
तुम्हें लगता होगा कि मैं कितना खुदगर्ज हूं, तो हां मैं खुदगर्ज हूं, अपने प्यार के लिए खुदगर्ज हूं। राजी तुम्हारी एक ना हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। राजी हम जिंदगी में एक ही बार प्यार करते हैं, अगर हमारा प्यार करना शादी करना गलत है तो हमारे माता पिता वो तो बच्चों की हर गलती पर पर्दा डालते हैं ना, इसे भी माफ कर देंगे। और फिर राजी हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, ऐसी कौन सी रस्म है जो फेरों के बाद ही पूरी होती है। राजी फेरे लेते वक्त लड़का लड़की एक दूसरे से अग्नि को साक्षी मानकर वादे ही तो करते हैं ना। मुझे तो तुम्हारी हर बात बिना शर्त मंजूर है। कल रात को फगवाड़ा मिल्स के पास वाले मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? हाँ कर दीजिए ना। हाँ जीजू दीदी आएगी। दी एक बार हाँ कर दीजिए ना। थैंक यू राजी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कल रात। थैंक यू। मामा चाय? ला। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो परमिंदर है ना। अरे वो परमिंदर कौर पटियाले वाली। हाँ हाँ। आज उसके यहाँ किटी पार्टी थी, पता नहीं क्या हुआ उसको, पार्टी ही कैंसिल कर दी। मेरा तो मूड ही खराब हो गया, सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। और अगर दिन में कुछ करने को ना हो ना तो मेरे दिल को चैन नहीं आता। हेलो। हेलो वीना, वीर बोल रहा हूँ। वीना मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मैं राजी से शादी कर रहा हूँ। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ वीना, तुम खुश नहीं हो? अच्छा मामा वहीं खड़ी है। हाँ हाँ तो फिर ठीक है वीना, तुम और जीत दोनों आज रात तक यहाँ पहुँच जाना। फगवाड़े में जो फगवाड़ा मिल्स के पास मंदिर है ना वहीं हम शादी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ पापा नहीं आ सकते, किसी और की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों आओगे ना? जरूर। फिर ठीक है, फगवाड़े मिल्स के पास वाले मंदिर में, ठीक है? ओके बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? किसी का नहीं मामा। ऐसे कैसे किसी का नहीं, अभी तो तुम मुझसे बात कर रही थी कि अच्छी बात है अच्छी बात है। मामा कोई ज़रूरी बात नहीं है, कम से कम ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है जो मैं आपको बताऊं। पता नहीं
आजकल हमारे घर में सबके तेवर बड़े चढ़े रहते हैं, और जब से ये मनहूस शादी टूटी है ना, तब से कुछ ज्यादा ही। ये क्या सोनी, खत्म भी नहीं की अभी तक, पता ही नहीं है कौन सा डालना है। राजी दी, राजी दी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अपने पास सुला लो ना। ये आप लोग कहाँ जा रहे हो? फिट्टे मुंह, ये कहाँ से आके आप? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं अभी जाता हूँ मम्मी जी और डैडी जी के पास। प्रिंस, अरे हम तेरे बिना कहीं जा सकते हैं क्या? आ जा, मैं तुझे सुला देती हूँ, सो जा। ती, सो गया है वो, अब चलिए प्लीज, देर हो जाएगी। ती अरे भाई, किसी ने बरामदे की लाइट ऑफ नहीं की। मैं अभी आई थी, पर थी हुआ? कुछ नहीं डैडी जी, वो मैं सो रही थी, सपना देखा के आप दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हूँ, तो बस आ गई। राजी पुत्र, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। पागल बच्ची है।
भाई, मुझे नहीं लगता कि अब वो आ पाएगी। वादा करना एक बात होती है और निभाना और। हाँ वीर, अब इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। आखिर वो है तो एक लड़की ना, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। वीर चलो। वो आएगी भाई। मैंने कहा ना वो आएगी। कहते हैं इंसान की कही हुई कोई एक बात पूरे दिन में सही हो जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तब तक राजी के आने के लिए आवाज लगाता रहूंगा जब तक वो आ नहीं जाती। वो आएगी। वो आ गई। मुझे पता था कि तुम आओगी। लो फटाफट ये शादी का जोड़ा पहन लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। राजी ले लो, ऐसे भी शादी का जोड़ा तो शगुन के तौर पर ससुराल वालों के यहां से ही आता है ना। चलो। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही हो। जल्दबाजी में शादी का यही जोड़ा मिला बस, और साथ में कुछ भी ला नहीं पाई। दी जल्दी चलिए बाहर, पंडित जी बुला रहे हैं। एक मिनट रुको। अब ये नहीं, दुल्हन मंडप पर सोनी कलाई में नहीं बैठती। आप लग रही हो ना दुल्हन, चले। सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपडे शृणुयादपि। कन्या के माता पिता को बुलाइए। पंडित जी, लड़की वालों की तरफ से सिर्फ ये दोनों लड़कियां हैं। लेकिन कन्यादान कौन करेगा? डैडी जी, ये कन्यादान क्या होता है? पुत्र, इस दुनिया में
पुण्य कमाने के लिए लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जाने कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लड़की वालों के लिए ऊपर वाले ने यह रास्ता जरा आसान कर दिया है। कन्यादान करके उन्हें कई जन्मों का पुण्य मिल जाता है। तो क्या आप हमें भी दान कर देंगे? हाँ राजी पुत्र, दस्तूर यही है। देख पुत्र, बेटी वालों के बाप जो है ना, बेटी के कर्ज तले दबे होते हैं, और पुत्र उन्हें उस कर्ज से उसी दिन मुक्ति मिलती है जिस दिन वो कन्यादान करते हैं। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाइए। तुम्हारे बाप ने पैसा भले ही घट कमाया हो, पर इज्जत बहुत कमाई है। इस इज्जत पे कभी आंच ना आए पुत्र। दुनिया में इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता पुत्र। मेरी बच्चियां मेरा गुरूर है। मैं शादी नहीं कर सकती।